नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी और उमस होने लगी है। इस टाइम पे हम जितने भी गार्डनर्स होते हैं या जो बिगनर्स होते हैं, क्या करते हैं, पौधों की कटिंग लगाते हैं या कुछ पौधे जो हम कटिंग से तैयार करते हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही प्लांट्स, तो सारे ज़्यादातर मैंने कटिंग से ही रेडी किए। आप जो छोटे छोटे पॉट्स में देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कटिंग से खास करके ग्रो किया हुआ है। और मैं हमेशा मतलब इन सब की वीडियो शेयर ही करती रहती हूँ कि कैसे क्या करना है, कौन सी कटिंग कब लगानी है। तो मैंने कुछ कटिंग में से एक कटिंग मैंने तैयार करी हुई थी। फ़िलहाल कटिंग मेरी बहुत दिन पुरानी है, लगभग मैंने फ़िलहाल बारिश में ही कटिंग लगाई हुई थी, तो वो अब कटिंग अभी अच्छे से रेडी हो गई है। तो उसको आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ और किस तरीके से रिपोर्ट करना है, मिट्टी कैसी चाहिए, पॉट हमें कैसा चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, वो पौधे हैं हमारा लैंड लोटस है, उसको स्थल कमल भी बोलते हैं। वो कटिंग से ही ज़्यादा लगती है, सीड से भी लगती है। मेरे वीडियो पे ऐसे बहुत से कमेंट्स आए हमारे सब्सक्राइबर के, उन्होंने बोला कि सीड हम कब लगाएं, इस यहाँ पे सीड किस तरीके से लगते हैं और कब लगाना है, कौन से सीड लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूँ लैंड लोटस की, तो खास करके मैं कटिंग से ही लगाना आपको बताऊँगी कि आप कटिंग से ही लगाएं, क्योंकि लैंड लोटस के सीड बहुत ही कम अगर आप लगाते हैं तो मैं उसमें सिर्फ 10% ही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 90% अनसक्सेसफुल होते हैं। तो आप जब भी कोशिश करें लगाने का तो कटिंग से ही लगाइएगा सीड का। तो क्योंकि मैं लगाई थी सीड, उसकी वीडियो मैंने शेयर करी हुई थी। सीड से फ्रेंड्स क्या हुआ था कि लगाया हुआ था लेकिन बारिश के टाइम में वहाँ पे पानी भर गया, तो सीड बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ पानी पड़ जाएंगे वहाँ सीड ग्रो नहीं होने हैं। तो मैं नहीं मतलब उगे नहीं है, मैंने दोबारा ट्राई भी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी प्लांट बड़े से थे और मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। मैं दिखा दूँ, मेरे पास जो मैंने लगाया हुआ था कटिंग से, एक ये कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ देख सकते हैं। एक में मैंने दोनों इसी गमले में मैंने दोनों कटिंग लगा दिए थे। अभी देख सकते हो प्लांट कितना बड़ा हो गया, लगभग 4 फीट का तो हो ही गया है। फ्लावर जब इसमें आएंगे वीडियो आप लोग से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे इसमें मैं फ्लावरिंग ले चुकी हूँ, कई बार इसमें फ्लावर खिले हुए हैं। तो अभी जब इसमें खिलेंगे तब मैं दोबारा भी वीडियो शेयर करूँगी। एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, दोबारा मैंने ट्राई किया, वो भी कटिंग तैयार हो गई है। वो कटिंग मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, ये वो वाली कटिंग है और मैंने देखे बिल्कुल मैच्योर स्टैम्प्स ली हुई थी, इतनी मोटी। तो ये इतना जो पार्ट है इसका फ्रेंड्स ख़राब हो गया, सिर्फ नीचे का पार्ट जो था वही, इसमें से सीधी एक स्टेम आई हुई है। देख सकते हैं यहाँ से एक स्टेम आई, फिर उसके बाद से यहाँ से निकली हुई है ये। मतलब कटिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट जो भी है अच्छे से चल रहा है। मैं घर पर नहीं थी जिसकी वजह से प्लांट को पानी देना थोड़ा सा कम हो गया था और सूख भी गए थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ अच्छे से देखभाल कर रही हूँ तो अभी ये हरा भरा हो गया है। गमला छोटा होने की वजह से फ्रेंड्स पानी की भी नीड ज़्यादा होती है। तो ये भी मतलब होता है कि प्लांट, ये जो लैंड लोटस होते हैं परमानेंट प्लांट्स होते हैं, इनको बड़ा पॉट चाहिए और क्या कहते हैं कि जो रूट्स होती ज़्यादा फैलती हैं, रूट बाउंड होने का भी डर रहता है। तो जब भी आप फ्रेंड्स कटिंग लगाते हैं तो छोटी सी कटिंग लगा लीजिए, लेकिन आपकी कटिंग बड़ी हो जाती है तो इनको रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही मैं यहाँ करने वाली हूँ। तो ये मेरी कटिंग देख सकते हो, इसमें मैंने कुछ तरीके से जो रूट्स होते नहीं हैं वो डाल दी थी ताकि इसमें नमी बनी रहे। फिलहाल मैं इनको हटा दूँगी और अभी इनको मैं रिपोर्ट करूँगी। रिपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर, ये मेरा 10 इंच का गमला है, मिट्टी मैंने ऑलरेडी इसमें ले रखी है। मिट्टी बता दूँ, इसमें राइस हस्क है, सैंड सॉयल है, गार्डन सॉयल है, गोबर की खाद है और इसमें थोड़ा सा मैंने फंजीसाइड ऐड किया हुआ है। साफ का वेस्ट होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी मिला सकते हो। और सैंड सॉयल है, बाकी जो नॉर्मल सॉयल होती है हमारे गार्डन की वही इंपॉर्टेंट होती है। बस थोड़ा सा आप गोबर की खाद या जो लीफ कंपोस्ट होते हैं उनको मिला देंगे, आसानी से आपका सॉयल तैयार हो जाएगा, वो भी अच्छा होता है। तो वहाँ पे मैं फ़िलहाल रूट को बिल्कुल भी छेड़ूंगी नहीं क्योंकि भी गर्मी का सीज़न है, तो इस टाइम पे अगर दिक्कत हो जाएगी तो हमारे प्लांट ख़राब होने की, कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैं इनको डायरेक्ट ऐसे ही निकाल के इसमें लगा दूँगी। तो पॉट थोड़ा बड़ा लीजिएगा, कटिंग अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये हमारा 4 इंच का है, 4 इंच 10 इंच में बहुत डिफरेंस है। तो मैं इसमें ये वाली कटिंग लगाने वाली, रिपोर्ट करने वाली हूँ। मैं रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसे ही इसमें लगा दूंगी। तो कैसे क्या करना है, पहले थोड़ा सा टेप करके फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी कटिंग को निकाल लेंगे। देखिए
ऐसे करेंगे थोड़ा सा टैप करके तो मिट्टी जो है छोड़ देगी साइड साइड से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो गमला टूट गया है बट मैंने थोड़ा सा अटूल का यूज़ करके यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। तो ऐसे ही मैं लगा दूँगी, देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसमें रूट बाउंड हो चुका है। तो मैं ऐसे ही लगाऊंगी, मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही अभी गर्मी भी हो रही है, अगर इस तरीके से इनको मैं छेड़छाड़ करूंगी तो फिर मुझे इशू हो सकता है। तो फिलहाल निकल गया तो मिट्टी में इसमें थोड़ा सा जगह बना लूँ, उसके बाद में इसमें लगाऊँगी। और फ्रेंड्स गर्मी अगर टाइम है, आप इस टाइम पे रिपोर्ट कर रहे हो या फिर क्या कहते हैं नए पौधे ला के लगा रहे हो तो इवनिंग के टाइम में यानी शाम के टाइम 5 या 6 बजे, क्योंकि 5-6 बजे भी अभी फ्रेंड्स 5:30 हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। तो आप नमी का ज़रूर ध्यान रखें, बिल्कुल क्या कहते हैं जब धूप चली जाए उस टाइम पर आप रिपोर्ट करिएगा ताकि जो जड़ें हैं उसमें बिल्कुल भी जो उनके क्या कहते हैं नम सूखने ना पाए, क्योंकि हवा में भी फ्रेंड्स शुष्कता रहती है जिससे जड़ें सूखने लगती हैं। तो इवनिंग में बेस्ट ऑप्शन होता है इनको रिपोर्ट करने का कि नमी भी रहती हो, चाहे जितनी देर हम जड़ को खुला भी छोड़ दें तब भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी वजह से हम जो गार्डनर्स होते हैं हमेशा यही ट्राई करते हैं कि इनको इवनिंग में ही हम रिपोर्ट करें। तो मैं यहाँ पर जड़ें निकालना भूल गई थी जो डाला था ऊपर से, इससे क्या होता है फ्रेंड्स जो जड़ें डाल देते हैं अच्छे से मिट्टी मेरी वेल ड्रेन भी रहती है, साथ साथ में नमी भी बना के रखती है और कुछ जो कीड़े होते हैं वो भी नहीं बैठते हैं ऊपर आने से डरते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट कर लिया है लोटस को। कटिंगर अभी लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल लगवा सकते हैं, मैच्योर ब्रांच लीजिएगा, ज़्यादा नई भी ना लें ना ही ज़्यादा पुरानी, लगभग 1-2 महीने पुरानी स्टैम्प लें जिससे कि ब्राउन जो होती हैं वो स्टैम्प्स अच्छी होती हैं कटिंग के लिए, तो उनको ही आप लीजिएगा और फिर देखिएगा अभी कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है। वैसे मैं अगर बात करूँ कटिंग लगाने का जो समय होता है लैंड लोटस के खास करके वो है हमारा बरसात का टाइम। ये जो मैंने कटिंग आपको भी पहले दिखाई थी जो 4 फुट की हो गई है वो मैंने बरसात में लगाया था, तो मतलब 8-9 महीने हो ही गया है और ये मेरा मतलब 3-4 महीने हो रहा है फिलहाल ये लग गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है, रिपोर्ट करने के बाद बिल्कुल सेडी पैलेस में फ्रेंड्स इनको रखना है, ना कि इनको हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। जब प्लांट आपका सेट हो जाएगा उसके बाद में आप इनको धूप दिखा सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि जब अच्छी से धूप मिलेगी तब इनकी ग्रोथ होगी और साथ साथ में इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो यहाँ पर मेरा जो लैंड लोटस का फ्रेंड्स प्लांट है अच्छे से रिपोर्ट हो गया है। तो आज की थी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते फ्रेंड्स न्यू वीडियो न्यू प्लान न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।